क्या आता है? नाक कहाँ गया? अच्छा, नाक से क्या करते हैं? सुनते हैं, सांस लेते हैं, है ना? लेकिन नाक का बहुत प्रभावित करने वाली जो बातें हैं वो है हमारे संस्कार के ऊपर। हमने जितनी भी एक्शन की है, मुस्कुराना, घृणा करना, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, हर विकारों का एक्शन नाक से ही पता चलता है। आप नाक को बंद कर दो और गुस्सा करो, मुस्कुराओ, पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहा है। क्योंकि नाक से जो दो धार बनता है वो धार जब इधर उधर होती है तो पता चलता है ये ईर्ष्या कर रहा है। ये सब हम करते हैं या नहीं? अगर नाक को बंद कर दो, मैं मुस्कुरा रहा हूं, पता चलेगा? तो नाक को हमने कितने सालों से बिगाड़ा है जिसके कारण हमारे संस्कारों में गिरावट आई है। तो नाक को क्या करना चाहिए? शुद्ध बनाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? अभी नाक को बिगाड़ना नहीं है। देखा, बारिश तो हो ही नहीं थी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी ना, हाया ना। एक बहन कहती है मुझे, वैसे मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, गर्मी के दिन में। मैंने कहा, सारा गर्मी तो आपको ही लग रही है। रास्ते में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रास्ते में जा रहे हो तो वहां एक पशु मरा पड़ा है, उसकी अच्छी खुशबू आ रही है। आधा किलोमीटर पैदल जा रहे हो, अभी आधा किलोमीटर तक वो खुशबू आई, तो नाक कैसे करते हो? अभी से मैं बोला नहीं, पशु मरा पड़ा है, नाक सिकुड़ने लगा है। अरे अभी कहां बदबू आ रही है? प्रैक्टिस है। कितना प्रैक्टिस करोगी? सत्युग में भी करोगे? सत्युग में बदबू होगी, लेकिन अभी जब भी बदबू होती है हम नाक को कैसे करते हैं? अजय भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ फटाफट, यहाँ सामने आओ, मुस्कुरा लेनी, अभी नेचुरल रूप से खड़े करना, और मेरे सामने, मेरे सामने हाँ, सामने देखो। जब मैं कहूंगा बदबू आ रही है तब आप वो एक्शन सबको करके देखा। रास्ते में जा, वॉकिंग करो थोड़ा, वहीं पैदल पैदल उठा, ऐसे 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 देखो, ऐसे ऐसे, हाँ। मुस्कुरा नहीं, अभी मुस्कुरा नहीं, आप थोड़ी मुस्कुरा के रास्ते में चलते, तो पहले की बात मैं बता रहा हूँ, चलते रहो। रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, अभी एक सड़ा हुआ पशु की अच्छी खुशबू आ रही है, नाक करो कैसे, कुछ किया था अभी? चलो ताली बजा दो, उठ के कैसे करते हैं हम ना? हाँ नहीं, ये इधर सामने आ गया, अभी कैसे किया था नहीं करके सामने देखो, बहुत बदबू आ रही है, कर लो सर, बहुत बदबू आ रही है, किया हाँ, ताली बजा दो। ऐसे सिकुड़ लेते हैं, और कितने साल से ऐसे कर रहे हैं? अभी करोगे? करोगे? एक बार मैं कहीं जा रहा था तो वहां चमड़ी का फैक्ट्री है, 5 किलोमीटर तक उसकी खुशबू आती है, मतलब बदबू आती है। तो 3 भाई थे मेरे साथ, कार में जा रहे थे, एसी कार में, सब बंद था, लेकिन वो एसी के अंदर की वो खुशबू आ गई। तो 3 जो भाई थे वो कर रहे तो मैं ऐसे था, बोला रमेश भाई आपको सर्दी हुआ है क्या? अभी बात नहीं, तो फिर बोला आपको बदबू नहीं आ रही है? तो आ तो रही है, तो फिर देखा, फिर बोला ऐसे क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ऐसे करने से क्या बदबू नहीं जाएगी? जाएगी या नहीं भाई? 5 किलोमीटर अभी बदबू आएगी, या 5 किलोमीटर तक नाक को ऐसे रख सकते हो? सांस तो जाएगी ना, जाएगी या नहीं? हाँ जी बोलो। तो जब अच्छा 30 सेकंड तक आप सांस रोक सकते हो, उसके बाद तो लेना पड़ेगा ना, उसके बाद जो गहरा सांस लोगे सारी जाएगी। तो हम कितनी प्रकृति को बिगाड़ा किसने?
किसने बिगाड़ा? सुधरेगा कौन? बारिश नहीं हो रही, देखो बादल आ गए कितनी गर्मी में, तो कैसे बोलोगे? जिनको हम घृणा करेंगे क्या वो हमें सम्मान देगा? आपके घर में मेहमान आएंगे वाले बैठेंगे, मारूंगा एक टप्पड़ जाता हूं खा जाना। तो प्रकृति भी आज बदला ले रही है, कितना घृणा किया, बारिश नहीं हुई तो गाली दी, बारिश ज्यादा हुई तो गाली दी, तूफान आ गया तो गाली दी, सुनामी आ गया तो। वो तो प्रकृति का नियम है, जो भी हो रहा है वो हमने बिगाड़ा, वो सब होना ही है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों की कर्तव्य क्या है? बाबा की दया ना मरे, बच्चे मरे, बीवी मरे, या जो भी हो जाए, ड्रामा में जो हो रहा है परिवर्तन प्रगति का साधन है, नियम है, बदलना ही है। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी की अगर मृत्यु नहीं होगी तो जन्म लेगा, पर जन्म लेते ही हा 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 और मृत्यु लेते हो हो, सत्य में कोई रोता था? परिवर्तन की प्रक्रिया में हम अपनी नाक को क्यों बिगाड़ें? बिगाड़ना है, ठंडी हो रही है, वाह बाइक चला रहे हैं या ऐसे चलो? अक्सर हमने ऐसे चलते हैं, ठंडी हवा लगती है ना, अरे कहां जा रहे हो बुंदी सुने, अभी क्या करना है, कहां जा रहे हो? हो सकता है भाई, तो भाई लोग चलाते इसलिए बोल, हो सकता है कैसे चलाने, ठंडी पड़ी या गर्मी, या गर्मी हो या बरसात, बरसात हो या तूफान आए आंधी आए। एक बार मैं घर में था, सचमुच ओडिशा में बहुत तूफान आता है, आप सुने होंगे। और हमारे घर के पास नीम के पेड़ बड़े बड़े थे, वो गिर रहे थे, और मैं जब सोया था ना मनरूम के पास, वहां भी गिर रहा था, मैं कह रहा था वाह। हमारी माता जी कह रही है, माँ कह रही है तूफान आ रहा है, पेड़ गिरा तुमको वाह लग रहा है। मैंने कहा तो क्या बैठ गए रहो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उतना लंबा कैसे बोल तो चटपट कर दिया ना, जो हो रहा है बढ़िया, जो हो गया जो होने वाला है, तो ये नाक को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है? कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दूसरे खाना खा रहे, कली दुनिया में रहना ही है, संगम में रहना ही है, सफर करना ही है, तो क्या नाक मेरे सामने बैठ के देखो कैसे कैसे खा रहा है, ऐसा करोगे? अरे भाई या तो आप किनारा कर लो, या तो उसको बोलो किनारा करने के लिए, या प्लेन में जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो उतर जाओ बीच में, नियम ही नहीं है तो क्या करोगे, नाक को सिकड़ोगे? ठीक है, हो सकता है क्योंकि एक संघ का रिएक्शन इससे आपकी सुंदर नाक नोथरी जो सती में सबसे सुंदर चेहरा मिलने वाला है, और नाक से पता चलता है कितना सुंदर है, हाँ या ना? नाक गायब हो जाए तो